हिंदी कर दो। हाँ जी सर। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल दी मीडिया पीपल। मैं GNI यूनिवर्सिटी की तरफ से आप सभी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती समय दिया और इस प्रेस मीडिया के अंदर आप आए। एंड दी जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो यही है कि आप सब लोगों को बताना कि GNI यूनिवर्सिटी 16 दिसंबर से 24 दिसंबर तक नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कर रही है। यह आयोजन जो है ये एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी इंडिया की तरफ से स्पॉन्सर्ड है और इसमें करीब 85 टीम्स फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द नॉर्थ इंडिया वो पार्टिसिपेट करने वाली हैं। इसमें हम देखेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर से, पंजाब से, हिमाचल से, उत्तराखंड से, हरियाणा से, दिल्ली से और उत्तर प्रदेश से टीम्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करने आएंगी, जो कि इस लोकल रीजन के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। और इसके अंदर हम बलजीत सिंह सेखोजी जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के, उनके हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने GNI यूनिवर्सिटी को इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। GNI यूनिवर्सिटी आपको पता है इस रीजन के अंदर एक लीडिंग यूनिवर्सिटी है और एज़ पर माई इंफॉर्मेशन पहली बार इस रीजन के अंदर इतने बड़े लेवल के ऊपर कोई टूर्नामेंट हो रहा है। अराउंड 1500 प्लेयर्स और उनके कोचेज यहाँ पे आएंगे और वो यहाँ पे एक अपना, हमको उम्मीद करते हैं कि उच्च स्तर के अपने खेल का प्रदर्शन करेंगे, जो कि हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए और यहाँ के लोकल जो पीपल हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। सारे मैच बड़े ही एक्साइटेड होने वाले हैं, बड़ी एक्साइटमेंट से फुल होंगे और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हम सभी के लिए होगी। तो दूसरी इसमें जो महत्वपूर्ण बात है, जैसा कि आप जानते हैं कि इतने बड़े लेवल पे इवेंट करवाने के लिए हमें कई तरह के प्रयास करने पड़ते हैं, बहुत बड़े चैलेंज हमारे लिए है। तो इसके लिए हमारी मैनेजमेंट पूरी तरीके से तैयार है। ऑनरेबल प्रेसिडेंट गुरदीप सिंह सिहरा जी का पूरा सपोर्ट हमें है, आपको पता है कि वो एक रीजन के एक जाने माने बिजनेसमैन भी हैं, तो वो हमें पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं और हमारी टीम ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। हम प्रॉमिस करते हैं सभी जो प्लेयर्स हैं और जो भी हमारी ऑडियंस होने वाली है उन सबको एक हाईएस्ट क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए, चाहे वो प्लेग्राउंड हो, चाहे वो फूड हो, फूड अरेंजमेंट हो, चाहे वो स्टेइंग अरेंजमेंट हो, बोर्डिंग लॉजिंग हो, सभी चीज़ों में हम कोशिश कर रहे हैं कि हाईएस्ट लेवल का उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। हाँ जी, ये इसमें यूनिवर्सिटी टीम्स ही पार्टिसिपेट कर सकती हैं। दिस इवेंट इज स्पॉन्सर्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। हाँ, और इसमें जो विनिंग टीम्स होंगी फिर वो आगे जाएंगी, आगे इंडिया लेवल पे पार्टिसिपेट करेंगी एंड फाइनली जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर है उनका जो फाइनल आयोजन होता है उसमें फिर फाइनल खेलो इंडिया के तहत उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अगर फाइनेंशियल इंसेंटिव, फाइनेंशियल सपोर्ट की बात आप कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल सपोर्ट तो नहीं है उनका हमारे पास में, लेकिन उनका पूरा वैसे इन्वॉल्वमेंट पूरा रहेगा, उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे मौजूद रहेंगे। नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट पूरा रहेगा उनका सर, उनके एक्सपर्ट्स रहेंगे यहाँ पे, उनके रेफरीज रहेंगे यहाँ पे, तो उनके ही ऑब्जर्वेंस के अंदर ये सारा आयोजन होगा सर। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, अच्छा खेल देखने को मिलेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। और GNI यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स के अंदर बहुत फोकस कर रही है, करीब 18 स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे हैं जो इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट लेवल के ऊपर खेल चुके हैं सर, तो एकेडमिक के साथ में साथ स्पोर्ट्स के ऊपर पूरा फोकस है यूनिवर्सिटी। साढ़े GNI यूनिवर्सिटी के जो शाइनिंग स्टार आ, जो चमकते सितारे है, मैं तुहानू उन्हां बारे डिटेल च दसदा। जो 8 स्टूडेंट आ साढ़े इंटरनेशनल प्लेयर हैगे आ, जिन्हां चों सब तो पहले दीपक टांगड़ी आ, वह साडा इंडियन टीम में खेल रहा और मोर भागवन फुटबॉल क्लब है उनके वालों ICL खेल रहा इस टाइम। फिर सैकेंड है हर्ष राणा, साउथ एशियन चैंपियन है आर्चरी का, वह भी इंडियन टीम में खेल रहा इस टाइम। फिर एक साड़ी पैरा अथलीट है रेखा,
वह भी इंडियन टीम के खेल रही है। रीसेंटली उन्होंने एक टूरनामेंट खेलिया इंटरनेशनल, अगे पैरा ओलंपिक्स की वह तैयारी कर रही है। फिर अविनाश कुमार है लड़का, वह भी इंडिया कैंप के इंटरनेशनल टीम के सिलेक्ट हो चुका है, साई दे सेंटर विच है कोलकाता दे। फिर साढ़े को हरसिमरन लड़का है वूसू का, उन्हें रीसेंटली इंटरनेशनल टूरनामेंट होया सीगा, उन्होंने गोल्ड मैडल प्राप्त किया। फिर मुस्कान है लड़की साड़ी फाइनल ईयर की स्टूडेंट, उन्हें भी जिहड़ा इंटरनेशनल वूसू चैंपियनशिप के गोल्ड मैडल हासिल किया। फिर साढ़े को विनोद भारद्वाज है, इंटरनेशनल बॉक्सर है साढ़े को, उन्हें भी पिछे बॉक्सिंग इंटरनेशनल लैवल से मैडल जितया है। तो साढ़े को होर भी नैशनल लैवल दे 60 प्लेयर है जेडे नैशनल गोल्ड मैडलिस्ट है, तो 50 के करीब साढ़े को स्टेट लैवल जो गोल्ड मैडलिस्ट प्लेयर है। सैवन है, सैवन स्टूडेंट जो साढ़े इंटरनेशनल शाइनिंग स्टार है, इन्हों की डिटेल मैं थोड़े साझी की है।